ऑर्गेनाइजिंग के परस्पेक्टिव में याद है ऑर्गेनाइजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी फीडबैक डेलीगेशन यह बार बार आपके सामने आएंगी रिस्पॉन्सिबिलिटी वी मेक यू रिस्पॉन्सिबल योर क्लास रिप्रेजेंटेटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू ऑर्गेनाइज द एक्टिविटीज द टास्क The people, students in a given structure. Organization ka matlabi ye hai ke disciplined ho. Actions, activities, works, job, and people. Very important, what is the relationship of the tasks with the people? So, organizing ka concept, organizations ke saath attached hai. वो ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइज नहीं है वो ऑफिस जो ऑर्गेनाइज नहीं है वो मार्केट जो ऑर्गेनाइज नहीं है वो टेक्नोलॉजी वो प्रोडक्शन फ्लोर वो बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ऑर्गेनाइज तरीके से काम नहीं हो रहा उसका रिजल्ट क्या होगा सोचिए जरा इसलिए के गोल अचीवमेंट गोल अटेनमेंट इज दर्पज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी प्रॉफिटेबिलिटी दो इंडिकेटर्स हैं हाउ मच यू हैव डन इन द गिवन टाइम विदिवन रिसोर्सेज प्रोडक्टिविटी प्रोफिटेबिलिटी वी इन्वेस्टेड सम मनी वी इन्वेस्टेड सम टाइम वी इन्वेस्टेड सम रिसोर्सेज वट इज द रिटर्न दोनों इफेक्ट होंगे अगर आपका ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर अगर आपकी ऑर्गेनाइजिंग रिलेशनशिप ऑर्गेनाइज्ड नहीं है तो इसलिए ये बहुत अहम कॉन्सेप्ट है आफ्टर प्लानिंग आर यू ऑर्गेनाइज अच्छा आप अपनी डेली लाइफ में देखिए अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं है तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ता डेफिनेटली पड़ता है तो इसी पर्सपेक्टिव में फिर हम लर्न करना चाहते हैं कि वो क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, वो क्या प्रिंसिपल्स हैं कि जब हम लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हो रिसोर्सेज को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें और ऑर्गेनाइज करें कि हमारी एफिशिएंसी भी बेहतर हो इफेक्टिवनेस भी हाईलाइट हो हाईलाइटेड हो विजिबल हो एंड यू शुड बी रिवॉर्डेड ऑन दैट बेसिस दैट यू आर एन इफेक्टिव मैनेजर ठीक है तो आइए फिर कुछ और कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइजिंग के परस्पेक्टिव में लर्न करते हैं लेकिन थोड़ा सा रिकैप उन डेफिनेशन का उन कॉन्सेप्ट का जो हमने पिछले सेशन में किया आइए थोड़ी देर लिए वो भी देखते हैं एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो मैंने पिछले सेशन में आपको दिया था ऑर्गेनाइजेशन चार्ट वो क्या है रिकॉल कीजिए जरा मैंने आपसे लास्ट सेशन में भी कहा था कि पढ़ के आइएगा एंड आई एम श्योर सम ऑफ यू और मे बी मैनी ऑफ यू ऑल ऑफ यू पढ़ के आए होंगे ऑर्गेनाइजिंग के चैप्टर्स दो या तीन तकरीबन तमाम मैनेजमेंट के किताबों में आपको मिलेंगे और जब आप ऑर्गेनाइजिंग की बात कर रहे हो तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दोनों की आपस में रिलेशनशिप है चार्ट मींस क्या मतलब है चार्ट का मैं तो आपसे पूछ रहा था जी बताइए It is a line diagram horizontal, vertical, vertical. Somebody on the top, somebody at the bottom. Vertical relationship one top, one above, one below. So, the one at the top, the one at the above is responsible to direct. ज रिस्पॉन्सिबल टू सुपरवाइज इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव ऑर्डर टू द वन बिलो अच्छा फिर हॉरिजेंटल लेवल परोडक्शन हेड ऑफ मार्केटिंग हेड ऑफ इंजीनियरिंग हॉरिजेंटल लेवल पर तीनों चारों आपस में कुलीग्स हैं कोई एक दूसरे को रिपोर्ट तो नहीं कर रहा कोई एक दूसरे का बॉस तो नहीं है लेकिन ये सब मिलकर आपस में कलेबोरेशन से कॉपरेशन से काम कर रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का फिर फायदा यह होगा सिग्निफिकेंस यह होगी कि हम अपने काम को एक ऐसा फॉर्मल पैटर्न दें मैंने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की डेफिनेशन की थी लास्ट टाइम इट्स ए फॉर्मल पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन of putting activities, resources together. That who will carry out what job, who will be responsible to whom, how the information will travel, who will report to whom. It's very important that we need to have a structure of the command. Unity of command. Remember we studied scientific management एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के परस्पेक्टिव में हेनरी फॉयल के जो फंक्शन थे चौदह रिमेंबर वी नीड टू नो द यूनिटी ऑफ कमांड। हु इज रिपोर्टिंग टू होम वरना तो फिर क्या होगा ना जैसे अगर फर्ज कीजिए हमने आपकी क्लास के हवाले से गुफ्तु करनी है तो वी विल स्पीक टू योर सीआर। सो द टीचर वन अब स्पीकिंग टू द क्लास रिप्रेजेंटेटिव वन बिलो स रिप्रेजेंटेटिव स्पीकिंग टू ऑल दूडेंट्स ये स्ट्रक्चर बन गया अब आप इसको लाइन डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए दिस विल बी एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट अच्छा नेक्स्ट टाइम जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाए तो जरा पूछिए वहां मैनेजर से या किसी दीवार पर देखिए कुछ चार्ट लगा हुआ है अच्छा फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन की आप एनुअल रिपोर्ट देखिए या आपको वेब पर भी मिल जाएंगी चेंबर ऑफ कॉमर्स में कभी विजिट कीजिए वहां पर भी रिपोर्ट्स पड़ी होती है। बहुत हैं। बहुत सारी पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, है जो हर साल अपनी रिपोर्ट पब्लिश करती हैं। उस रिपोर्ट में आप देखिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है उसी से आपको अंदाजा हो जाएगा हु रिपोर्ट्स टू होम तो आइए फिर इस कॉन्सेप्ट को फर्दर एक्सटेंड करते हैं मजीद लर्न करते हैं अच्छा एक चीज जहन में रखिएगा कि कोई एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं है स्ट्रक्चर आप डेवलप करेंगे डिजाइन करेंगे डिप्लॉय करेंगे जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपके रिसोर्सेज आपकी एक्टिविटीज के साथ मैच करेगी। अच्छा फिर ये कोई हार्ड एंड फास्ट बात भी नहीं है भाई एक स्ट्रक्चर काम नहीं कर रहा एफिशिएंसी बेहतर नहीं हो रही प्रोफिटेबिलिटी में कुछ इश्यूज हैं कंसर्नस हैं आप उसको चेंज कर लीजिए लेकिन रैपिडली चेंज ना कीजिए गिव इट अ लिटिल टाइम मे बी सिक्स मंथ्स, मे बी वन ईयर मे बी टू ईयर्स लेट द स्ट्रक्चर वर्क इसलिए कि डेली या मंथली उसको चेंज करना तो, लो, तो लोग कंफ्यूज होंगे अच्छा फिर आईटी ऑर्गेनाइजेशंस के परस्पेक्टिव में जरा थोड़ा सा सोचिए आप में से जो आईटी के स्टूडेंट्स हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स

इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एक्टिविटीज यहां एक्टिविटीज क्या है सब लोग पढ़े लिखे हैं बीसीएस बी एस कंप्यूटर साइंस बीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं पांच छह सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक उनका टीम लीड और फिर चार पांच छह टीम लीड्स रिपोर्टिंग टू ए प्रोजेक्ट मैनेजर और फिर उसके बाद हो सकता है कि चार पांच प्रोजेक्ट मैनेजर्स हो वो कंपनी जो है चार पांच प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हो वो सब के सब हो सकता है कि, कि किसी हेड ऑफ टेक्निकल ऑपरेशंस को रिपोर्ट कर रहे हो सीटीओ चीफ टेक्निकल ऑफिसर लेकिन एचआर डिपार्टमेंट भी होगा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट भी होगा चीफ एग्जेक्टिव भी होगा अब आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए कुछ लोग देखिए ना टीम लीड वन वन अब उसके नीचे कौन है चार पांच सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो तो सब हॉरिजेंटल होंगे ना तो देर इज ए हॉरिजेंटल कोऑर्डिनेशन एंड देर इज वर्टिकल कोऑर्डिनेशन तो वर्टिकल कोऑर्डिनेशन जो है वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है अथॉरिटी आती है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप आती है और बड़ी एहतियात से फिर इस चार्ट को डिजाइन किया जाता है डेवलप किया जाता है और इंप्लीमेंट किया जाता है तो so, आइए फिर ऑर्गेनाइजिंग के परस्पेक्टिव में कुछ और कॉन्सेप्ट्स, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सके फिर हम लर्न करते हैं लास्ट सेशन के एंड पर मैंने ये स्लाइड आपको दिखाई थी और मैंने ये कहा था सिक्स बिल्डिंग ब्लॉक्स टू डेवलप एन एफिशिएंट ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर आइए उनकी जरा कुछ डिटेल में जाते हैं कुछ उनके बारे में लर्न करते हैं पहला बिल्डिंग ब्लॉक क्या है डिजाइनिंग द जॉब्स कौन सी एक्टिविटीज हैं, कौन सी जॉब्स हैं, किस किस्म का काम है उनको आप कैसे आपस के अंदर इंटीग्रेट करेंगे कोऑर्डिनेट करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स कुछ लोग प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं कुछ लोग अकाउंटिंग में इन्वॉल्व हैं कुछ लोग कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हैं कुछ लोग इंजीनियरिंग में इन्वॉल्व हैं नंबर वन हाउ डू यू डिजाइन दॉब्स एंड नंबर टू हाउड यू लाइक टू इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट दैन ताकि एक जैसा काम करने वाले किसी एक यूनिट में इकट्ठे हो जाएं काम बेहतर होगा ना एक दूसरे की लैंग्वेज समझेंगे एक दूसरे के बस वर्ड्स को समझेंगे और एक दूसरे को हेल्प आउट करेंगे मार्केटिंग रिलेटेड इन वन यूनिट प्रोडक्शन रिलेटेड जॉब्स इन सेकेंड यूनिट अकाउंटिंग रिलेटेड इन अनदर यूनिट सो दैट्स हाउ वी वुड लाइक टू सी हाउ डू वी यूज दिस बिल्डिंग ब्लॉक डेवलपिंग डेवेलपिंग ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर नंबर टू वी विल ग्रुप देम टुगेदर। इसको हम कहते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन कैसे हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कितने मुख्तलिफ तरीके हैं कैसे आप कर सकते हैं देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है चाहे वो एक ही इंडस्ट्री में हो एक ही सेक्टर में हो फर्स कीजिए ऑटो इंडस्ट्री ऑटो इंडस्ट्री नंबर वन ऑटो इंडस्ट्री नंबर टू ऑटो इंडस्ट्री नंबर थ्री तीन कंपनियां हैं ऑटो इंडस्ट्री में ये जरूरी नहीं है कि तीनों का स्ट्रक्चर एक जैसा हो ये तो आप पर डिपेंड करता है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पर चीफ एग्जेक्यूटिव पर हु सो इज रिस्पॉन्सिबल तो वट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दे विल यूज सो वी विल लुक इन टू दी डिपार्टमेंटलाइजेशन आप जॉब्स को कैसे ग्रुप करेंगे ताकि आपकी कंपनी एफिशियंटली उन कामों को कर सके नंबर थ्री एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप वेरी इंपॉर्टेंट हु इज रिपोर्टिंग टू होम यहीं से फिर एक कॉन्सेप्ट आता है चेन ऑफ कमांड इस कमांडिंग चेन के अंदर One up, one down, and the one below will be reporting to the one above. Number four, six building blocks. Number four means how are you going to distribute the authority? There are 200 people, there are 300 people. How is the authority distributed? Because authority is required by a manager, responsibility. अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है हाउ आर यू गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट कहीं कुछ क्या कंफ्यूजन तो नहीं होगा नो दी हैज द राइट टू मेक डिसीजन ही हैज द राइट टू कैरी आउट एक्शन ही हैज द राइट टू परफॉर्म ए जॉब अथॉरिटी और आप बाजुका सुनेंगे कि देखिए जी आपकी अथॉरिटी में नहीं है आप ये काम नहीं कर सकते या आप ये फैसला नहीं कर सकते जब ये कहा जा रहा होता है ना कि आप ये फैसला नहीं कर सकते इसका मतलब ये है कि उस मैनेजर के अथॉरिटी में ये चीज नहीं दी गई कि वो इस पर्टिकुलर इशू के बारे में कोई फैसला दे सके ही कैन नॉट मेक डिसीजन बिकॉज ही इज नॉट ऑथराइज बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक है हाउ आर यू गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट दी अथॉरिटी नंबर फाइव हाउ आर यू गोइंग टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज वी विल लुक सम मोर कॉन्सेप्ट्स कोऑर्डिनेटिंग दी एक्टिविटी कोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्स वाई जी तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना तीनों को कैसे आप आपस के अंदर इंटीग्रेट करें कि 360 डिग्री का व्यू आपको मिल जाए और छठा बिल्डिंग ब्लॉक फिर ये है कि डिफरेंशिएटिंग बिटवीन डिफरेंट पोजीशंस पोजीशंस विद इन दर्गेनाइजेशन सो लेट्स सी द लुक एट दन बाई वन एंड ट्राई टू लर्न मोर कॉन्सेप्टिंग जॉब डिजाइन इट्स बेसिकलीशन ऑफ इंडिविजुअल वर्क रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे करनी है मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है मुझे बताइए मुझे क्या काम करना है मुझे लेटर टाइप करना है मुझे टेलीफोन करना है मुझे प्लांट पे काम करना है मुझे कस्टमर से कम्युनिकेट करना है किस लेवल पर मुझे काम करना है जॉब डिजाइन सो विद इन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन जॉब डिजाइन यू हैव टू डिजाइन द जॉब्स। यू हैव टू डिटर्मिन दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ही इज रिस्पॉन्सिबल शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वट काइंड ऑफ जॉब एंड देन स्पेसिफिकेशन ऑफ टास्क जैसे मैंने कहा ना कि इज इट गोइंग टू बी Looking into the word processing, or is he going to look into the accounting function and the account related tasks? Now, he might be once again using the word processing in the accounting task, but that could be different in the accounting department. Specification of task activities which are associated with a particular job. So, this job, this office, this position, this position.

So, production related jobs will be grouped together in the production department. Inventory related, buying, storing, shipping, inventory, marketing related, customer relationing, maybe selling, maybe communicating with the market, maybe developing marketing strategies and a marketing plan. मार्केटिंग रिलेटेड अकाउंटिंग रिलेटेड फिर अकाउंट के साथ फाइनेंस भी हो सकता है अकाउंटिंग और फाइनेंस के साथ ऑडिट भी हो सकता है अकाउंटिंग फाइनेंस ऑडिट के साथ इंश्योरेंस भी हो सकता है मिलती जुलती है ना जॉब स्पेशलाइजेशन मीन यू ट्राई टू ग्रुप रिलेटेड जॉब टू इन वन यूनिट आपने सुना होगा एचआर डिपार्टमेंट अब एचआर डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग काम करेंगे उनकी स्पेशलाइजेशन एचआर रिलेटेड लोगों को सिलेक्ट करना है ट्रेन करना है डेवलप करना है डिपार्टमेंट्स में एलोकेट करना है उनकी परफॉर्मेंस रिलेटेड एक्टिविटीज को देखना है उनके सैलरी और बोनस के ये एचआर डिपार्टमेंट होगा जो इसको देखेगा तो जॉब डिजाइन में फिर जॉब स्पेशलाइजेशन का मतलब ये होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तमाम जॉब्स को देखते हुए आप किस तरह से उन्हें स्मॉलर कंपोनेंट्स स्मॉल ब्रेक डाउन कर सके इस जॉब स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स क्या हैं? आइए फिर कुछ बेनिफिट्स देखते हैं कि क्यों हम ये करना चाहते हैं नंबर वन वर्कर्स कैन बिकम प्रोफिशेंट एट द गि टास्क यानी जो शख्स डेली प्रोडक्शन फ्लोर पे आप काम करता है उसे अंदाजा हो जाता है कि मैंने कंपोनेंट ए प्लस कंपोनेंट बी या इनग्रीडियंट ए प्लस इनग्रीडियंट बी प्लस इनग्रीडियंट सी कैसे यूज करना है कैसे मिक्स करना है कौन सा स्क्रू कहां पर टाइट करना है कौन सा आईसी कहां पर प्लेस करना है कहां सोल्डरिंग होगी किस वक्त कहां पर कौन सी चीज होगी ही विल बिकम प्रोफेशन देखिए ऐसा तो नहीं हो सकता आज आपने उसे प्रोडक्शन में प्लेस कर दिया कल को आप उसे कहें जी, आप अकाउंटिंग में चले जाइए तीसरे दिन आप कहिए आप मार्केट वो तो उसकी लैंग्वेज को ही नहीं समझेगा टास्क में प्रोफिशंसी अगर आपको लानी है तो यू विल टेक द बेनिफिट ऑफ जॉब स्पेशलाइजेशन अच्छा हम ये नहीं कह रहे कि आप सारी उम्र उसको प्रोडक्शन में ही रखें सारी उम्र उसको अकाउंटिंग में ही रखें यू मे चेंज बट नॉट एवरी डे और एवरी वीक प्रोफिशंसी नहीं आएगी once again take an example from it someone who is proficient in using visual basic day in and day out every day every week now if you ask him to use visual basic on day 1 on monday and on tuesday you ask him no today do your work in c language or c++ on third day you ask him today i think you should Working in the group who are using Java, I'm sure students like you, they might be able to cope with the job. But coping with the job is something different. But being proficient in one particular area in what particular language is different. So, if you want to improve efficiency, then proficient. ट्रांसफर टाइम बिटवीन टास्क विल डिक्रीज इसलिए कि लोग स्पेशलाइज्ड हैं जो काम पहले वो 15 मिनट में कर रहे थे हो सकता है वो 10 मिनट में करें काम को बेहतर तरीके पर करेंगे तीसरा उसका बेनिफिट यह हो सकता है कि स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट कैन आल्सो बी डेवलप्ड बल्कि काम करते करते वो इतने स्पेशलिस्ट हो जाते हैं कि वो अपने काम को फिर खुद ही बेहतर तरीके से करते हैं मसलन मैंने कई ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर मोटर्स का इस्तेमाल पेपर इंडस्ट्री मोटर्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है मैंने देखा है कि लोग वहां जब काम करते हैं मोटर जब चल रही है और मोटर में बहुत सारे बेरिंग्स इस्तेमाल हो रहे हैं तो बेरिंग की आवाज सुनकर जो लोग वहां काम कर रहे हैं वो इतने प्रोफिशेंट हो चुके होते हैं आवाज सुनकर वो बताते हैं कि बेरिंग टूटने वाला है तो जब बेरिंग टूटेगा बॉल बेरिंग जब वो टूटेगा तो नुकसान ज्यादा होगा या आपने देखा होगा कि किसी मोटर मैकेनिक को या मोटरसाइकिल मैकेनिक को वो इंजन की आवाज सुन के बता देता है इसका फला प्रॉब्लम है जॉब स्पेशलाइजेशन चौथी बात ये है कि एम्प्लॉ रिप्लेसमेंट बिकम्स ईजियर आपने कहा जी प्रोडक्शन फ्लोर में आज एक साहब छोड़ गए आपको एक आदमी चाहिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर एचआर डिपार्टमेंट में एक साहब की प्रमोशन हो गई तो अब आपको एक आदमी और चाहिए एचआर डिपार्टमेंट के लिए तो ये उसके कुछ बेनिफिट्स हैं। अब आप इसकी क्या लिमिटेशंस हैं? इसलिए कि जॉब स्पेशलाइजेशन की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। मिसाल के तौर पर दो लिमिटेशन नंबर वन एम्प्लॉई बिकम्स बोर एक ही काम रोजाना डेली वीकली बोर हो जाते हैं डिसटिस्फाई भी हो जाते हैं टेक इट फॉर ग्रांटेड भी ले लेते हैं ठीक ही हो रहा है जी उससे क्वालिटी इफेक्ट होती है दूसरी बात यह है कि दे वुड एंटिसिपेट विल इसी तरह से होगा इसी तरह से ही काम होगा इट फॉर ग्रांटेड ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं कि जो आपको सामने रखनी है दूसरा बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के परस्पेक्टिव में वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या मतलब है इसका डिपार्टमेंटलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द जॉब्स अकॉर्डिंग टू सम सम लॉजिकल अरेंजमेंट अच्छा लॉजिकल अरेंजमेंट का मतलब यह है इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट एक ही इंडस्ट्री एक ही सेक्टर के अंदर पांच कंपनियां हैं कंपनी ए कंपनी बी कंपनी सी तीनों का स्ट्रक्चर मुख्तलिफ हो सकता है और आप तीनों से गुफ्तु कीजिए तीनों के मैनेजर्स आपको लॉजिक देंगे कि हमारी कंपनी हमारी मार्केट हमारे प्रोडक्ट्स हमारे कस्टमर्स यूनिक है ना दिस इज हाउ वी डू एंड दिस इज वी व लाइक टू लॉजिकली अरेंज इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई हरज नहीं है एज लॉन्ग एज यू केटर द नीड्स ऑफ यूर कस्टमर एज लॉन्ग एज द स्ट्रक्चर हेल्प द एम्प्लॉ टू डिलीवर दी जॉब इन द बेस्ट वे इट्स परफेक्टली ऑल राइट तो माई डर स्टूडेंट्स डिपार्टमेंटलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे किसी डिपार्टमेंट में काम करेंगे हो सकता है कि आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करके एक स्ट्रक्चर की बजाय दूसरा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट करना चाहें तो कितने मुख्तलिफ जॉब्स को ग्रुप करने के बिजनेस सीनैरियो के अंदर मॉडल्स हैं वो आप देख लीजिए फिर देखिए कि कौन सा मॉडल आपकी कंपनी में इस्तेमाल हो रहा है कौन सा आप इस्तेमाल करना चाहेंगे चॉइस आपका है लेकिन इट शुड बी लॉजिकल इट शुड बी रैशनलाइज्ड इस कॉन्सेप्ट की क्या रैशनल है डिपार्टमेंटलाइजेशन की हम डिपार्टमेंटलाइजेशन इसलिए करना चाहते हैं बिकॉज दर्गेनाइजेशनल ग्रोथ वेन इट एक्सीड्स एक्सीड्स कैसे देखिए एक शख्स ने इन्वेस्टर कह लीजिए मालिक कह लीजिए मैनेजर कह लीजिए चीफ एग्जैक्टिव कह लीजिए उसने वो कंपनी शुरू की ही हैड अ विजन ही केम अप विद मिशन ही सेट सम स्ट्रैटेजिक गोल्स ही केम अप विद स्ट्रैटेजिक प्लान ही स्टार्टेड द वर्क दो लोग हो गए पांच हो गए पचास हो गए पांच हजार हो गए कंपनी बढ़ रही है तो डिपार्टमेंटलाइजेशन की रैशनल ये है कि व्हेन द कंपनी ग्रोस देन द इन्वेस्टर और द ओनर ऑफ द कंपनी वुड नॉट बी एबल टू तो लुक आफ्टर एंड मॉनिटर ऑल द एक्टिविटीज उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो इन तमाम चीजों को देख सके सुपरवाइज कर सके देन ही वुड नीड एडिशनल मैनेजर्स इसलिए कि जब आप जॉब्स को स्पेशलाइज करेंगे चीफ एग्जेक्टिव तो ठीक है वो जो ओनर है या डायरेक्टर है या प्रेजिडेंट है वो एक आदमी ठीक है आप उसको चीफ एग्जेक्टिव के तौर पर ही कैन मॉनिटर द एक्टिविटी लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है एचआर डिपार्टमेंट है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है मार्केटिंग डिपार्टमेंट है टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है एम आई एस डिपार्टमेंट है यू नीड मोर पीपल ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रोइंग अच्छा फिर एक ही मुल्क के अंदर फर्ज कीजिए एक फैक्ट्री लाहौर में है दूसरी फैक्ट्री कराची में है तीसरी फैक्ट्री नौशहरा में है चौथी फैक्ट्री कोयटा में है तो सीओ तो एक हो सकता है मान लेते हैं आपकी बात बल्कि वहां पर भी फिर हम ये करते हैं कि वी लुक इन टू देशन चेयरमैन ऑफ द ग्रुप ग्रुप ऑफ कंपनीज वन कूड बी द चेयरमैन बट यू नीड एडिशनल मैनेजर्स सो डिपार्टमेंटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यह है कि नाउ द कंपनी इज ग्रोइंग गोइंग इन टू हंड्रेड एंड थाउजेंड एड मोर मैनेजर्स गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोफेशनल्स आप अकेले सारे काम नहीं कर सकते अच्छा आपने सुना होगा सेठ कल्चर ये नाम तो आप सुनते हैं ना देखिए वो शख्स जिसने शुरू में इन्वेस्टमेंट की ये यह हमारे यहां कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में कि जिसने इन्वेस्टमेंट की शुरू में आज से पचास साल पहले सत्तर साल पहले सौ साल पहले ठीक है वो सेठ साहब हैं उन्होंने पैसे लगाए इन्वेस्टमेंट की लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम वो जो स्पोर्टिंग गुड्स की कंपनी सियालकोट में जिसने फुटबॉल बनाने शुरू किए बहुत सारी फैमिली कंपनीज हैं एक साहब ने सत्तर साल पहले वो कंपनी शुरू की अब वहां पर बहुत सारे लोग हंड्रेड ऑफ पीपल आर वर्किंग यूनिट एडिशनल मैनेजर्स सो यू कम अप विद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पुट सम समाइजेशन हायर सम मैनेजर्स प्रोफेशनल मैनेजर्स एंड लेट दम सुपरवाइज द द टास्क एंड पीपल इन दैट गिवन डिपार्टमेंट चार बेसिक किस्में इसकी हम डिस्कस करना चाहेंगे इससे ज्यादा भी हैं लेकिन चार को जरा जहन में रखिएगा इसके अलावा जो आए कीप इट इन योर फाइल कीप इट इन यूर मेमरी बिकॉज देर माइट बी समेनाइजेशन विच माइट बी यूजिंग दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर लेकिन ये चार तो आपको जनरली नजर आएंगे नंबर वन ये देखिए यहां पांच मैंने शो कर दिया आपको यानी जो पांचवी यहां नजर आ रही है मेट्रिक्स इसको भी जहन में रखिए थोड़ी सी मुश्किल है कॉम्प्लेक्स है लेकिन यू विल सी इट वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशंस। आइए तो फिर वन बाय वन इनको देखते हैं पहला डिपार्टमेंटलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में जो स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा मोस्ट ऑफ द टाइम वी कॉल इट फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन देखिए ये लाइन डायग्राम आपको बता रही है कि एक कंपनी का प्रेजिडेंट है कौन सी कंपनी है ये क्या बनाती है किस इंडस्ट्री में है ये कंप्यूटर इंडस्ट्री में है. अभी हम ये नहीं कह रहे कि सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है इट्स अ कंप्यूटर इंडस्ट्री मोस्ट लाइकली हार्डवेयर इंडस्ट्री तो इसमें कौन से फंक्शन आपको नजर आ रहे हैं तीन इंडस्ट्री कौन सी है बिजनेस कौन सी है कंप्यूटर्स तीन कौन से फंक्शंस नजर आ रहे हैं नंबर वन मैन्युफैक्चरिंग जहां पीसी के कंपोनेंट्स फैक्चर हो रहे हैं। ना अब उसकी हम डिटेल में नहीं जा रहे आर दे मैन्युफैक्चरिंग सी डी ड्राइव आर दे मैन्युफैक्चरिंग विजीए कार्ड आर दे मैनुफैक्चरिंग की बोर्ड आर दे मैन्युफैक्चरिंग केसिंग इट इज मैन्युफैक्चरिंग ठीक है मैन्युफैक्चरिंग एक फंक्शन हो गया दूसरा फंक्शन इस कंपनी में क्या है फाइनेंस तीसरा फंक्शन मार्केटिंग अब आप कहेंगे जी बाकी फंक्शन कहां गए देखिए प्रोडक्शन को ये लोग मैन्युफैक्चरिंग कह रहे हैं हो सकता है कि जो सर्विस रिलेटेड इश्यूज हो वो भी इन्होंने मार्केटिंग में प्लेस कर दिए हो अब आप कहेंगे जी एचआर फंक्शन नजर नहीं आ रहा देखिए ये तो इस सीईओ पर इस प्रेसिडेंट पर डिपेंड करता है कंपनी अगर छोटी है तो हो सकता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को उन्होंने एक एक्स्ट्रा फंक्शन भी दिया हुआ हो कि जी आप एचआर रिलेटेड इशू को भी हायरिंग और फायरिंग को भी आप देखिए लेकिन फंक्शनल डिपार्टमेंट डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब ये है कि यू लुक एट दी फंक्शंस ऑफ बिजनेस फंक्शंस ऑफ आउट जॉब्स एंड एक्टिविटीज पुट देम टुगेदर एज वन फंक्शन आइए एक और लाइन डायग्राम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखते हैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये कौन सी कंपनी है एडवर्टाइजिंग एजेंसी अब इस एडवर्टाइजिंग एजेंसी के अंदर इन्होंने खासा डिटेल के अंदर अपने फंक्शंस को ग्रुप कर दिया मिसाल के तौर पर इन्होंने किस तरह से अपनी एक्टिविटीज को ग्रुप किया हुआ है डिपार्टमेंट्स बनाए हुए एडवर्टाइजिंग एजेंसी नंबर वन सेल्स कि जो एड्स बनेंगी उसको सेल कौन करेगा कस्टमर्स के साथ कौन इंटरेक्ट करेगा नंबर टू अकाउंटिंग डिपार्टमेंट नंबर तीन आर्ट डिपार्टमेंट अब देखिए ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी है इसमें आर्ट डिपार्टमेंट नहाय अहम है लेकिन अगर कोई मोटरसाइकिल इंडस्ट्री हो तो उसमें जरूरी नहीं कि आर्ट डिपार्टमेंट हो यू ट्राई टू सी द डिफरेंस इसी तरह से अगर सॉफ्टवेयर रिलेटेड इंडस्ट्री है यू माइट लाइक टू अ डिजाइन डिपार्टमेंट आर्ट एंड डिजाइन अच्छा फिर देखिए क्रिएटिव डिपार्टमेंट तो, तो इस बिजनेस की नेचर पर डिपेंड करेगा इसलिए एडवर्टाइजिंग एजेंसी के अंदर क्रिएटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट अच्छा वैसे तो क्रिएटिविटी तमाम ही बिजनेस के लिए जरूरी है लेकिन एडवर्टाइजिंग एजेंसी के अंदर तो ये निहायत अहम है तो फिर ये कुछ ऐसे लोगों को हायर करना चाहेंगे वू आर कंपैरेटिवली मोर क्रिएटिव देन दर्स आपको क्लाइंट कस्टमर एक आइडिया देता है कि जी मैं एक नया जूस लॉन्च करने वाला हूं या शिकारपुर में एक नई अचार की वैरायटी लेकर आया हूं या ये एक एनर्जी ड्रिंक है या ये स्कूल चिल्ड्रन के लिए नई कुकीज हैं बल्कि कुकीज की बिस्किट्स, कुछ मुल्कों में कुकीज कहते हैं हमारे यहां उसको बिस्किट कहते हैं अच्छा बिस्किट में भी फिर मैं आपको बताता हूं कि जी मेरे इस बिस्किट के अंदर कैरामल होगी चॉकलेट होगी वेफर होगा बस तीन चीजें होंगी जनाब कौन से तीन कंपोनेंट है वेफर चॉकलेट और कैरमल आप मुझे एड कर दीजिए मैं और ऐड करूं इसमें कि मुझे ऐसी एड दीजिए जो मैं एफएम स्टेशन पर रन कर सकूं। या मुझे ऐसी दीजिए जो मुझे टीवी स्टेशन पर रन करना है सो क्रिएटिव डिपार्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एडवर्टाइजिंग एजेंसी एक फंक्शन है जरूरी नहीं कि इसमें कोई दस बीस पचास लोग होंगे मेरा ख्याल एक वक्त में एक भी आदमी अहम हो सकता है क्रिएटिविटी इन द एडवर्टाइजिंग एजेंसी इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन फिर दूसरे फंक्शन देख लीजिए आप इंफॉर्मेशन सिस्टम कंप्यूटर्स हैं उनको में आपको इंटीग्रेट करना है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स हैं इंटरनेट सर्विसेज आपको प्रोवाइड करनी है मुख्तलि किस्म के सिस्टम है अकाउंटिंग सिस्टम मार्केटिंग सिस्टम उनको इंटीग्रेट करना है इंफॉर्मेशन सिस्टम का डिपार्टमेंट एच आर का डिपार्टमेंट प्रिंट एडवर्टाइजिंग और रेडियो एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग एजेंसी है ना अब आप कहें इसको अलग अलग क्यों कर दिया देखिये ये तो कंपनी पर डिपेंड करता है कि दे वुड लाइक टू तो हैव ए लॉजिकल अरेन्जमेंट वो ये समझ यह कंपनी यह समझती है कि वी ओनली लाइक टू वर्क इन टू कैटेगरीज प्रिंट मैगजीन्स जर्नल्स newspapers. दूसरा कौन सा एरिया है? रेडियो हम टीवी को एड्रेस नहीं करेंगे जी ये तो इस कंपनी का मिशन है इसलिए कि टीवी के लिए बहरहाल फिर आपको ज्यादा रिसोर्सेस चाहिए रेडियो एडवर्टाइजिंग के लिए तो आपको देखिए सिर्फ ऑडियो को रिकॉर्ड करना है ना तो आप ये नहीं कह सकते कि जी रेडियो एडवर्टाइजिंग और प्रिंट एडवाइज एडवर्टाइजिंग के फंक्शन को इन्होंने अलग अलग क्यों कर दिया यह कंपनी के मालिक पर डिपेंड करता है उनकी रैशनलाइजेशन है लेकिन जो मैं कॉन्सेप्ट आपको देना चाह रहा हूं डियर स्टूडेंट्स लेडीज एंड जेंटलमैन इस कॉन्सेप्ट को जरा देन में रखिए कि एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के अंदर यह एडवर्टाइजिंग एजेंसी अपने फंक्शन को बिजनेस के फंक्शन को किस तरह से ग्रुप कर रही है दैट इज वट दर्पज ऑफ फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन दिस इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एड एट सीईओ वन वन सीईओ थ्री डिपार्टमेंट ईच वन हेडेड बाई ए मैनेजर कौन से तीन है मैनेजर मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन जरा जेहन में लाइए ये किस इंडस्ट्री की मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं एक मैंने आपको जनरल दी थी फिर मैं एक सर्विस इंडस्ट्री में से एडवर्टाइजिंग को ले आया बाय वे एडवर्टाइजिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ बिजनेस एंड पीपल आर मेकिंग मिलियंस आउट ऑफ इट, लाइक यू यंग गेट टुगेदर, हैव क्रिएटिव माइंड अच्छा एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लिए सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत होती है उसको हम कहते हैं रिलेशनशिप कैपिटल हाउ डू यू नो पीपल कैन दे गिव यू डिवेलप एंड एड भ ये जो लाइन डायग्राम या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है बताइए जरा किस बिजनेस के बारे में हो सकता है मेक अ गुड गैस एक इसमें खासतौर पर डिपार्टमेंट आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन मैन्यूफेक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिनिस्ट्रेशन बस उस एडमिनिस्ट्रेशन में फिर अकाउंटिंग भी आ गई एच आर भी आ गई इंफॉर्मेशन सिस्टम भी आ गया वो सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए लॉजिस्टिक भी आ गई सब उसी में आ गए कुछ जेन में आया कौन सी इंडस्ट्री कौन सी बिजनेस हो सकती है ये नहीं समझ में आ रहा कीप इन माइंड द फार्मास्यूटिकल सेक्टर दवाइयां कहीं बनती हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन का एक चैनल है कोई होलसेलर है डिस्ट्रीब्यूटर हैं रिटेलर हैं पूरी एक चेन है फार्मास्यूटिकल कंज्यूमर गुड्स में भी बाज़ुकात इसी तरह से होता है ये टूथपेस्ट शैंपू सोप्स, जरा देखिए कि मैन्युफैक्चरिंग कहीं हो रही है और बाज़ुकात बाजूकात फार्मास्यूटिकल में तो ये होता है कि आप मैनुफैक्चरिंग किसी और से करवा लेते हैं तो आपने एक मैनेजर मैनुफैक्चरिंग रखा हुआ है वुड लुक कौन सी टेबलेट कौन सा कैप्सूल कौन सा सीरप बनना है किस कंपनी को वो आउटसोर्स करेंगे वहां से वो बनवा लेंगे द मोर फोकस इज ऑन डिस्ट्रीब्यूशन अब स्टोर टू स्टोर होलसेलर टू होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर टू डिस्ट्रीब्यूटर सिटी टू सिटी टाउन टू टाउन दे वुड हैव देयर वैन टेकिंग द मेडिसन गोइंग आउट डिस्ट्रीब्यूटिंग तो मेरा ख्याल है कि इस बिजनेस के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन इज मोर इंपॉर्टेंट बट इट्स अगेन ए फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन लुकिंग एट द बिजनेस हाउ दे वुड लाइक टू कैरी आउट देर बिजनेस अच्छा यही मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता चलूं बैंकिंग अब डिस्ट्रीब्यूशन बैंकिंग में क्या डिस्ट्रीब्यूशन का को कोई काम है बैंकिंग में बताइए जरा बिल्कुल है आपने देखा होगा सड़कों पर बाजूकात उनकी अब तो एजेंसी आ गई कि जो कैश को लेकर एक बैंक से दूसरे बैंक में जाती है तो आर डिस्ट्रीब्यूटिंग कैश वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स वेरी इंपॉर्टेंट तो डिपेंड करता है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है किस किस्म की बिजनेस है कैसा स्ट्रक्चर आप इंप्लीमेंट करना चाहेंगे लेकिन उस स्ट्रक्चर का पर्पज ही होना चाहिए गोल अटेनमेंट विद एफिशिएंसी एंड विद इफेक्टिवनेस इसकी एडवांटेजेस क्या हैं नंबर वन departments can be staffed by experts who are experts in that particular function. number two, supervision is easy. number three, coordination within the department. they know the language. they know the functions. they know the activities of each one of them. Ek nahi bhi aya, uski jagah pe kar lega. disadvantages can. decision-making becomes slow and bureaucratic. Kaise? देखिए आपने पांच फंक्शन हैं बिजनेस तो एक है ना ऑर्गेनाइजेशन तो एक है तो एचआर डिपार्टमेंट को अकाउंटिंग को मैन्युफैक्चरिंग को डिपार्टमेंट्स हैं और डिसीजन अगर आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कस्टमर के परस्पेक्टिव में करना है इट मे बी स्लो नंबर टू यू मे लूज द साइट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल इश्यूज क्योंकि फंक्शन पे फोकस है ना मैनेजर जो है वो अकाउंटिंग फंक्शन पे फोकस कर रहा है मैनेजर मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस कर रहा है मैनेजर डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस कर रहा है जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं आउट ऑफ साइड भी हो सकते हैं नंबर तीन अकाउंटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस आर डिफिकल्ट टू मॉनिटर इसलिए आपने तमाम लोगों को डिपार्टमेंट्स के अंदर फंक्शंस के अंदर एंसर्कल कर दिया सो so देन मे बी यू नीड ए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम एट द टॉप ऑफ दाइन टू हेल्प द चीफ एग्जैक्टिव मे बी थ्रू दी एच आर डिपार्टमेंट लेकिन बहरहाल इसमें थोड़ी डिफिकल्टी तो फिर आएगी तो हर स्ट्रक्चर के कुछ बेनिफिट हैं कुछ डिसएडवांटेजेस हैं आपके सामने रहने चाहिए और बेनिफिट्स एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को सामने रखते हुए देन यू कम अप गुड स्ट्रक्चर इफ इट वर्कस फाइन कीप इट ऑन अगर नहीं काम हो रहा कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ रही है कंफ्यूजन बढ़ रहा है चेंज इट आइए अब एक दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं फंक्शन के बाद अब हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन ये कंपनी जो है दिस पर्टिकुलर कंपनी दे आर मेकिंग थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स कंप्यूटर्स नंबर टू प्रिंटर्स नंबर थ्री सॉफ्टवेयर इन दो हार्डवेयर हैं कंप्यूटर एंड प्रिंटर एक सॉफ्टवेयर और फिर उसके बाद तीन डिपार्टमेंट्स को नेचुरली हर प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट तीनों को चाहिए होगा ना जो कंप्यूटर्स का मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है क्या वही डिपार्टमेंट सॉफ्टवेयर के लिए भी होगा हार्डवेयर की मैन्युफैक्चरिंग और सॉफ्टवेयर की मैन्युफैक्चरिंग एक जैसी है डेफिनेटली नहीं सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन इज कंप्लीटली डिफरेंट बल्कि आप में से जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो कहेंगे जी सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन कहां से आ गई प्रोडक्शन तो वहां भी हो रही है बट इट्स मोर लाइक एन इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ वर्क राइटिंग द कोड द काइंड ऑफ लैंग्वेज यू आर यूजिंग एनालाइजिंग द स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन आर एस डॉक्यूमेंट कमिंग अप विद गुड डिजाइन डिवेलपिंग इट अच्छा बाज लोग ये कहते हैं कि जब वो सारी आपने सॉफ्टवेयर को एक सी डी के ऊपर लॉक कर दिया ब्लॉक कर दिया कॉपी कर दिया अब उसकी भी तो फर्दर कॉपीज होनी है ना उसको वह बाजुकात तो मैनुफेक्चरिंग डिपार्टमेंट कहते हैं लेकिन एनी ऑफ लेकिन इन तीनों प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग आपको मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग और फाइनेंस डिपार्टमेंट चाहिए कुछ डुप्लीकेशन और रिडेंडेंसी आएगी लेकिन आप पे डिपेंड करता है आप समझते हैं कि नहीं हम अगर प्रोडक्ट पर फोकस करें तो हमारी कंपनी के गोल बेहतर होंगे सो यू कैन फोकस ऑन द प्रोडक्ट लेट द कंप्यूटर्स पीपल वर्क सेपरेट उनके मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लोगों का प्रिंटर्स के मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट इज द थर्ड प्रोडक्ट एंड दिस कंपनी इज लुकिंग इन टू दी प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन ये कंपनी एबीसी है इसके आठ प्रोडक्ट्स हैं जरा देखिए वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो शायद पाकिस्तान में आपको नजर ना आए लेकिन लुकिंग एट प्रोडक्ट हाउ वुड यू लाइक टू डिपार्टमेंटलाइज नंबर वन प्रोडक्ट एयरक्राफ्ट इंजन लेकिन पाकिस्तान में भी देखिए एयरक्राफ्ट इंजन बनते हैं सोचिए जरा कहां बनते हैं बट दिस इज अ कंपनी विच इज मेकिंग एयरक्राफ्ट इंजन वन प्रोडक्ट नंबर टू कंज्यूमर फाइनेंस अब आप कहेंगे कंज्यूमर फाइनेंस का एयरक्राफ्ट इंजन से क्या ताल्लुक हो गया बिल्कुल होता है एक ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं एक बड़ी कॉरपोरेशन है मे इट बी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन नेशनल कंपनी पाकिस्तानी कंपनी ग्रुप ऑफ कंपनीज सात आठ मुख्तलिफ बिजनेस के अंदर वो लोग इन्वॉल्व हैं कंज्यूमर फाइनान मेडिकल सिस्टम्स मेडिकल इक्विपमेंट्स जो हॉस्पिटल्स में यूज होते हैं ऑपरेशन के लिए ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने के लिए और बहुत सारी इक्विपमेंट्स हैं जो हॉस्पिटल्स में यूज होते हैं चौथा प्रोडक्ट इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी देखिए डायवर्सिटी देखिए प्रोडक्ट्स की नंबर फाइव कंज्यूमर प्रोडक्ट्स सोप्स शैंपूज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बसेस ट्रक्स स्पेशलिटी मटीरियल्स ये क्या हुए थी स्पेशलिटी मटीरियल एनी टाइप बद स्पेशल मटीरियल मे बी मेडअप ऑफ स्पेशल इन्ग्रीडियंट ऐसे होते हैं कंपनीज प्रोवाइड करती है दूसरे लोग नहीं करते हैं ये इनकी यूनिक स्ट्रेंथ है और एक और प्रोडक्ट है एक्स वाई जी टीवी इनका एक टीवी भी है टीवी लॉन्च कर रहे हैं तो जरा डायवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट देखिए लेकिन ये कंपनी एबीसी इन्होंने अपने तमाम कंपनी की सर्विसेज को बिजनेस को आठ मुखलिफ प्रोडक्ट्स पर फोकस किया हुआ है इसका मतलब क्या होगा एक्स वाई जी टीवी जो है उसका एक मैनेजिंग डायरेक्टर होगा वो तमाम इश्यूज को देख रहा होगा जो एयरक्राफ्ट इंजन की फैक्ट्री है उसका एक फैक्ट्री मैनेजर होगा इसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का जो यूनिट है उसका एक हेड होगा तो कम से कम आठ हेड चीफ एग्जेक्टिव को रिपोर्ट कर रहे होंगे या चेयरमैन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को चेयरमैन ऑफ देशन को रिपोर्ट कर रहे होंगे इस परस्पेक्टिव में प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन डिपेंड करता है कि कितने प्रोडक्ट है इसकी एडवांटेजेस डिस को जरा क्विकली देख लेते हैं कि प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन के अंदर मैनेजर वुड स्पेश ब्रॉडर एक्सपीरियंस

अगर फर्ज कीजिए एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट तीन मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज को तीन मुख्तलिफ बिजनेस को अगर देख रहा है एक ही कंपनी की सो देर माइट बी सम कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम विद इन दैट पर्टिकुलर इशू यह तीसरी किस्म की डिपार्टमेंटलाइजेशन हो गई कस्टमर डिपार्टमेंटलाइजेशन नंबर वन फंक्शनल नंबर टू प्रोडक्ट नंबर थ्री कस्टमर अब आपके मुख्तलिफ किस्म के कस्टमर हैं यहां मैंने जो आपको एग्जाम्पल दी है जरा गौर से देखिएगा एबीसी कारपोरेशन इसके कस्टमर्स हैं जो क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड की भी कुछ वैरायटी दी हुई है वो एक ग्रुप है ग्रुप ऑफ कस्टमर्स एक दूसरे ग्रुप ऑफ कस्टमर्स हैं जो ट्रैवल रिलेटेड इश्यूज हैं एयरलाइन टिकट्स रेलवे टिकट्स लेस एंड थिंग्स लाइक दिस like उसकी भी वैरायटी दी हुई है आपको एक तीसरे किस्म के कस्टमर्स हैं जो फाइनेंशियल सर्विसेज चाहते हैं आपसे आप उनको सर्विसेज दे रहे हैं कुछ एडवाइस ले रहे हैं बैंकिंग है ब्रोकरेज है स्टॉक एक्सचेंज रिलेटेड एक्टिविटीज हैं चौथे किस्म के कस्टमर्स कौन है जो आपसे बिजनेस सर्विसेज ले रहे हैं स्मॉल बिजनेसेस कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज कुछ एक्सपेंस मैनेजमेंट सोल्यूशन का आपका एक डिपार्टमेंट है कि आपने एक्सपेंस को कैसे मैनेज करना है तो चार किस्म के कस्टमर्स हैं कि जो इस परस्पेक्टिव के अंदर आप उनको सर्विसेज दे रहे हैं कस्टमर डिपार्टमेंटलाइजेशन की भी अपनी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मिसाल के तौर पर इसकी एडवांटेजेस क्या हैं कि यू फोकस ऑन कस्टमर नीड्स यू फोकस ऑन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विल बी टेलर्ड अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड्स इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज डिफिकल्ट टू कोऑर्डिनेट अक्रॉस डिपार्टमेंट वेराइटी है, है ना डायवर्सिटी है और फिर एफर्ट्स टू प्लीज दस्टमर में हर्ट द कंपनी ट्रेवल रिलेटेड कस्टमर्स जो हैं उनको ज्यादा बेनिफिट जा रहे हैं एज कंपेयर टू बिजनेस रिलेटेड कस्टमर या एज कंपेयर टू कार्ड रिलेटेड कस्टमर लेकिन बहरहाल कस्टमर डिपार्टमेंटलाइजेशन की भी अपने इश्यूज हैं तो आज हमने इस सेशन में तीन किस्म की कैटेगरीज़ को फोकस किया नंबर वन फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन नंबर टू प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन डिपार्टमेंटलाइजेशन का लफ्स जरा मुश्किल से जहन में आता है और जुबान पे आता है इसको याद रखिए इसलिए कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर ये इंपॉर्टेंट है और तीसरा कस्टमर माय डियर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कंपनी की एक्टिविटीज को देखते हुए आपको कोई न कोई तो डिजाइन करना है आज हमने जो चीजें लर्न की आप चॉइस कीजिए कि आप बिजनेस फंक्शन पर फोकस करेंगे और एक स्ट्रक्चर बनाएंगे या कंपनी के प्रोडक्ट्स पर फोकस करेंगे और उसके मुताबिक स्ट्रक्चर लेकर आएंगे या तीसरा चॉइस हमने देखा कि आप कंपनी के कस्टमर्स पर फोकस करेंगे तो देखिए कंपनी के कस्टमर्स कंपनी के प्रोडक्ट्स कंपनी की एक्टिविटीज जॉब्स चॉइस आपका है ये नहीं मैं कह सकता कि ये गलत है और वो सही है नहीं it's your choice, but it must be logical and rational. come up with a structure, come up with a line diagram where you should be able to deliver the jobs in the best way possible so you attain the goals. productivity should go up. profitability must be there. sustainability should be there. managers should be happy. customers should be happy. employees should be happy. Government agencies should be happy. Everybody is happy. It's a win-win company. And you are working there. And you are also a winner. So we will continue the organizing function in the next session. Inshallah. Until then, Khuda office.